हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरजीत सिंह। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे टाटा अल्ट्रा BS6 के पंप की टेस्टिंग के बारे में, कि जो टाटा अल्ट्रा आती है हमारी BS6 में, उसका जो हाई प्रेशर पंप होता है उसको कैसे चेक करना है, कैसे रिपेयर करना है, उसके बारे में बताएंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इसके अंदर बैक साइड सप्लाई पंप लगा हुआ है और ये इसका पार्ट नंबर पंप का वो दिखा देते हैं। और ये पंप का पार्ट नंबर आप देख सकते हो 63 लास्ट में। तो इसको मशीन पर कैसे लगाना, कैसे चेक करना है, कितनी इसकी डिलीवरी आनी चाहिए, वो पूरा बताएंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी इन आउट है, देखिए यहाँ पे इसकी इन आउट है, और यहाँ से जो है हमारी डिलीवरी यहाँ पे जाएगी, देखिए यहाँ पे लग जाएगी। और ये हमारी रिटर्न है, जैसे आपको इसका कनेक्शन करना है। अब इसको मशीन पर लगा दिखाते हैं हम आपको, मशीन पर लगा लेते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए पंप को हमने मशीन पर लगाया, देखिए आप देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने जो इनलाइट लगाया, जो डीजल यहाँ से खींचेगा, अंदर जाएगा और यहाँ से बाहर निकलेगा। बाहर निकल के देखिए यहाँ पे इन लाइट में लग जाएगा, ये इसका इन लाइट है, यहाँ पे लग जाएगा। और यहाँ पे हमने वेन पंप प्रेशर गेज लगा रखे कि हमारा जो वेन पंप प्रेशर है यहाँ पे हमें दिखता रहे। तो देखिए तीन जो है 3 बार का प्रेशर आ रहा है 100 RPM पे एंटी क्लॉक वाइज। और यहाँ पे हमने नोजल लगा रखी है 300 बार की, और इसका एक साइड में ये रिटर्न हो गया इसका। तो सबसे पहले हम डिलीवरी देख लेते हैं, हमारी जो डिलीवरी कितनी आ रही है। देखिए 100 RPM में हमने मशीन को चला रखा है एंटी क्लॉक वाइज, एंटी के लोग हमारी मशीन चल रही है। अब हमारी यहाँ पे डिलीवरी कितनी है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 110 के आसपास हमारी डिलीवरी आ रही है 100 RPM पे। जो वेन पंप प्रेशर है वो 3 बार का प्रेशर है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लॉक वाइज जो एंटी के लोग है पार्ट नंबर इसका। इस तरीके से आपको उसका कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे देखिए अभी हमने मशीन को जो है 500 RPM पे चलाया है, और यहाँ पे हमारा जो वेन पंप प्रेशर है 5 के आसपास आ गया है। और यहाँ पे हमारी जो डिलीवरी है वो देख लेते हैं कि हमारी जो डिलीवरी है वो कितनी आ रही है 500 RPM पे, और हमारा जो वेन पंप प्रेशर है वो भी 5 के आसपास आ रहा है। तो आप देख सकते हो हमारी जो डिलीवरी दोस्तों 500 RPM पे, वो भी 110 CC के आसपास आ रही है, आप देख सकते हो। तो आप इस तरीके से पंप को चेक कर सकते हो कि आपकी जो पंप है वो कितनी डिलीवरी दे रहा है। 100 110 के आसपास हमारी जो डिलीवरी आ रही है। अभी हमने पंप को 1000 RPM पे कर दिया है एंटी क्लॉक वाइज, और यहाँ पे देखिए वेन पंप प्रेशर हमारा वही 5-6 के आसपास आ रहा है। और यहाँ पे हम डिलीवरी देख लेते हैं कि हमारी जो डिलीवरी है वो कितनी आ रही है 1000 RPM पे। सिंगल स्ट्रोक पे चेक कर रहे हैं हम, एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन है मशीन की। तो यहाँ पे हमारी जो डिलीवरी है वही 100 110 के आसपास आ रही है, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको चेक कर सकते हो। टाटा अल्ट्रा का पंप है BS6 का, तो आप इस तरीके से पंप को मैनुअल चेक कर सकते हो कि आपका पंप ओके है कि नहीं, कितनी डिलीवरी दे रहा है, कितना वेन पंप प्रेशर दे रहा है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़ने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।